ये छोटी लड़की जब रात को सोती है तो एक बुरे पांडा की आत्मा इसके अंदर घुस जाता है। अगले दिन जब इसकी नींद खुलती है तो खुद को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसका शरीर एक रेड पांडा में बदल गया होता है। वो बाथरूम की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके माता पिता बाहर ही खड़े होते हैं। तभी घर में आग लग जाती है और यह अपने माता पिता से खुद को छुपाकर अपने कमरे में चली जाती है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है और वापस अपने असली रूप में आ जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो देखती है उसकी माँ उसका पीछा कर रही है। ये देख छोटी लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस पांडा में बदल जाती है। ये सब देख सभी बच्चे डर जाते हैं। पांडा खुद को जाने के लिए स्कूल के टॉयलेट की तरफ भागती है और खुद को टॉयलेट में बंद कर लेती है, लेकिन उसकी माँ वहाँ भी पहुँच जाती है। फिर पांडा खिड़की से निकलकर स्कूल से भाग जाती है। उसकी माँ गाड़ी लेकर उसका पीछा करती है और पांडा को देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। ये जहाँ भी जाती है उसकी वजह से तोड़फोड़ होता है और वो रोती हुई घरों के ऊपर दौड़ती है और अपने घर जाकर खुद को बंद कर लेती है और ब्लैंकेट उठा के कहती है, नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए।